हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें, क्योंकि हर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग होता है। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से, वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से, और मुझे आप स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक ले लो। हाँ, अब धीरे से निकालना। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? टिकेश्वरी जी। कहाँ से हैं आप? ओडिशा। कितने दिन हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 7 days। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्लूपिंग की प्रैक्टिस। हिली एरिए पे कार को कैसे कंट्रोल करना, हिली एरिए पे अगर कार रुक गई तो हमें कैसे कार को रोकना है और कैसे बढ़ाना है, बिना कार पीछे गए कैसे कंट्रोल करना है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्लच का कंट्रोल कैसे करेंगे, ब्रेक को कैसे, क्या पहले ब्रेक छोड़ेंगे या क्लच छोड़ेंगे। बहुत सारे नए बिगिनर जो होते हैं, नए ड्राइवर होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है, वो एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच का मैच नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आज मैं आपको 3-4 पैटर्न बताऊंगा जो कि बहुत ही सटीक पैटर्न होंगे राइट जाना, जो कि आप 1 inch भी गाड़ी आपके पीछे नहीं जाएगी बिना एक्सेलेटर के। चाहे जितनी ऊंची चढ़ाई हो, आप बिना एक्सेलेटर के कार को क्लच से ही कंट्रोल कर सकते हो, 1 inch भी कार पीछे नहीं जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हिली एरिए पे, मॉल की पार्किंग में, बेसमेंट की पार्किंग में, यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे गाड़ी को आपको स्टॉप करना है जब मैं बोलूँगा। अभी पूरा फुल क्लच दबा लो, हाँ, और हल्का सा यहाँ पे ब्रेक लेना है। अभी स्टॉप करो, रोक लो, पूरा क्लच दबाया फुल। अब देखो यहाँ पे कितना ज्यादा डाउन हील है ना। अब ऐसी कंडीशन में हमें अगर गाड़ी को उतारना है तो क्या करना है, कौन से गियर में गाड़ी उतारनी है? फर्स्ट गियर। इसको करो फर्स्ट गियर में, गुड। अब आपको क्लच नहीं छोड़ना, बस ब्रेक को थोड़ा सा छोड़ो, क्योंकि इंजन यहाँ फ्री कर लो, इंजन का कोई काम ही नहीं है। अब ब्रेक को थोड़ा सा रिलीज करो, क्लच नहीं छोड़ना, सिर्फ ब्रेक छोड़ो थोड़ा सा, और बस इससे ज्यादा ब्रेक मत छोड़ना, क्योंकि गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक अभी भागने लगेगी, है ना। हल्का सा लेफ्ट आओ, बस अब ब्रेक लो हल्का, हाँ। अब धीरे धीरे नीचे उतरना है, क्लच पूरा दबा के रखना, क्लच को फ्री मत करना, ठीक है, क्लच को फ्री नहीं करना है, हाँ। जाने दो धीरे से, ब्रेक को रिलीज करो थोड़ा सा। अभी जो इंजन ऑन है बट इंजन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने पूरा क्लच दबाया तो इंजन फ्री हो गया है, हाँ। अब हल्का सा राइट रखो, बस अब ब्रेक छोड़ो और क्लच छोड़ो, क्लच भी छोड़ो, हाँ छोड़ो क्लच, हाँ अपने आप चढ़ जाएगी। अब सीधी करो स्टीयरिंग, बस ज्यादा नहीं, हल्का राइट रखो, हल्का सा रेस लो, सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी। अब यहाँ पे स्टॉप करो, पूरा क्लच देन ब्रेक, पूरा फुल क्लच। क्लच दबाने में 1% भी कंजूसी मत करिएगा, क्लच ऐसे दबाना जैसे आप फुटबॉल में किक मारते। स्कूटी में कभी किक मारी है? नहीं मारी है, मारी है? किक मार के स्टार्ट करो। तो उसमें कितनी ताकत लगानी पड़ती है, बस। तो अब मैं उतर रहा हूँ गाड़ी से, ठीक है। अब आपको यहाँ इसकी प्रैक्टिस करनी, घबराना नहीं, डरना नहीं है, ठीक है। उधर वाली खिड़की थोड़ी सी और खोल लो, पैनिक नहीं होना, एकदम कूल माइंड से चलाना है। और यहाँ चलाना नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बटन लगा है ना, देखो इधर ये बटन लगा, ये दूसरा वाला, इसको ऐसे नीचे करोगे तो उतर जाएगा, ऊपर करोगे तो चढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो जो आपका राइट वाला पैर है, राइट वाला जो पैर है वो वी शेप में चलना चाहिए, वी शेप में, ठीक है। और आप स्लीपर पहने हो, लेकिन स्लीपर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है, ये ध्यान इसलिए देना है आपको कि जो आपका पैर है ज्यादा ऊपर नहीं खिसकना चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है, और ब्रेक तब छोड़ना जब इंजन एक्टिव हो जाए, और हल्का एक्सेलेटर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी पहले चलाना नहीं है, 1 meter बढ़ाना फिर रोक लेना, 1 meter बढ़ाना फिर रोक लेना, समझ लो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो चढ़ाई की। धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, अब हल्का सा एक्सेलेटर लो, हल्का सा, तो ब्रेक छोड़ के तभी तो एक्सीलेटर लोगे। जाओ वापस स्टॉप करो, गुड, वेरी गुड। फिर वही सेम कंडीशन जो अभी किया था, धीरे धीरे क्लच छोड़ना जब गाड़ी का इंजन वाइब्रेट करने लगे, तो फिर हल्का सा एक्सीलेटर लेना। वाओ वेरी गुड, स्टॉप, गुड। अब पूरा क्लच दबा लो, अब गाड़ी को थोड़ा सा ब्रेक छोड़ो और गाड़ी पीछे आने दो, क्योंकि अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ब्रेक छोड़ो, अपने मिरर चेक करो दोनों, आने दो पीछे, हाँ ब्रेक छोड़ो, जाने दो, घबराओ मत, जाने दो, मिरर देखते रहो बस,
धीरे 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 धीरे, हाँ चलो चलो जाने दो। और जाने दो थोड़ा सा, गुड, बस स्टॉप कर लो बस। अब आपको क्या करना है, यहां से और जहां तक अभी लेके गई थी 5 बार स्टॉप करना है। कितनी बार? 5 स्टॉपेज लेने हैं। 2 मीटर बढ़ाना रोक लेना, 2 मीटर बढ़ाना रोक लेना। यहाँ पे सिर्फ क्लच और ब्रेक का खेल है, समझ रहे हैं? और गाड़ी का इंजन बंद नहीं होना चाहिए। जैसे आपने हल्का सा क्लच छोड़ा, जब इंजन वाइब्रेट करने लगे फिर हल्का सा एक्सीलेटर ले लेना, और क्लच उतना ही रखना, क्लच उससे ज्यादा नहीं छोड़ना। क्लच छोड़ोगे तो बंद हो जाएगी, ठीक है? 4 से 5 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। हल्का एक्सीलेटर ले लेना जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, स्टॉप करो, गुड। 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं आनी चाहिए। फिर यहां से फिर 1 मोर, वही सेम कंडीशन जो आप कर रहे हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जाने तो धीरे धीरे, गुड। वेरी गुड, एक बार और, गुड। बस वापस आने दो, जैसे अभी आई थी वापस, एक बार और पीछे आने दो। आने दो, बहुत बढ़िया, गुड। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत आती हीली एरिया पे, सारा खेल क्लच और ब्रेक का है यहाँ पे। चलने दो चलने दो, गुड गुड, वेरी गुड। और आ जाओ पीछे, अभी जगह है, पीछे आओ पीछे। और आने दो, और आने दो, और आ जाओ, और थोड़ा जाने दो, गुड। बस अब एक बार इसकी प्रैक्टिस और करनी, चढ़ाना ऊपर वही सेम। अब इस बार पूरी गाड़ी चढ़ा के ले जाना, कम से कम 5 से 6 स्टॉप लेना है। और आप अपना पूरा माइंड लगाओ, कब रोकना कब बढ़ाना है, आप मत बोलिएगा, ठीक है? आपको कहाँ रोकना कहाँ बढ़ाना, कितना क्लच लेना कितना ब्रेक लेना, ये डिसीजन आपका है। और बहुत कूल माइंड से, टेंशन नहीं लेना। बंद हो जाए, हो जाने दो, दोबारा स्टार्ट कर लो। एक बार बंद हो चाहे 4 बार बंद हो, वेरी गुड। इंजन के साउंड को एक बार आपने समझ लिया, अगर इंजन को कंट्रोल करना सीख लिया तो समझ लो गाड़ी इशारे पे चलेगी आपसे। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे नए लोग होते हैं, वो इतना ज्यादा एक्सीलेटर लगा देते हैं कि इंजन वाइब्रेट करने लगता है। एक्सीलेटर उतने लेना जितने नीड हो। बंद हो गई, स्टॉप कर लो। अब देखो ब्रेक लगा लो, क्योंकि इंजन बंद होने के बाद ब्रेक वर्क नहीं करता है। अगर इंजन बुझ गया है ना, तो ब्रेक को फिर रिलीज मत करना, वरना गाड़ी पीछे चली जाएगी। वहां पे फिर हैंड ब्रेक का यूज कर सकते हो आप। चलो वापस बढ़ाओ, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिमाग में बैठा लो, क्या है फल, क्या है ये? गुड, गाड़ी पीछे नहीं आनी चाहिए। अगर इंजन किसी कारण बंद हो गया तो गाड़ी पीछे नहीं आनी चाहिए। गुड गुड, चलने दो, अब चलने दो, रोकना नहीं, चलने दो। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छे से आपने किया, बहुत अच्छे से किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया, एकदम गजब का।